सिर्फ दो चीज़ों से एकदम स्पंजी मीठी पूरी जो मुंह में घुल जाए, आज मैं उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। पूड़ियाँ तो हर घर में बनती है, छोटे बच्चों को मीठी पूड़ियाँ बहुत ही पसंद आती है और ये इतनी स्वादिष्ट पूड़ी स्पंजी पूड़ी है कि आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छी होती है। और अगर आपके बच्चे पूड़ी के शौकीन हैं तो आप इस तरह की पूड़ी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने दो कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है और एक कटोरी पीसी हुई चीनी लिया है, यही अनुपात आप लेंगे। और चीनी की जगह आप गुड़ भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं ये दो कटोरी गेहूँ का आटा मैं सबसे पहले डाल रही हूँ। ये दो कटोरी गेहूँ का आटा है वो मैंने डाल दिया है और एक कटोरी जो पीसी हुई चीनी है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैं 1/4 कप मैंने मीठा वाला सोडा जो होता है खाने वाला सोडा वो मैं डालूँगी और आधा चम्मच में बेकिंग पाउडर वो मैं डालूँगी। तो इससे क्या होगा कि ये जो मीठी पूड़ियाँ होंगी बहुत ही खस्ता बनेगा। और यहाँ पर देखिए, बहुत लोग मैन में डालते हैं रिफाइंड ये खस्ता के लिए, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, फिर भी देखिएगा मेरी जो पूड़ी होगी बहुत ही खस्ता और स्पंजी बहुत ही टेस्टी होगी। आप अपने बच्चों को बिस्किट की जगह इस तरह की मीठी पूड़ियाँ बना के आप दीजिए, आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। आप उनको टिफ़िन में भी इस तरह की पूड़ियाँ दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरी इस ये एकदम नए तरीके की मीठी पूड़ी की रेसिपी कैसी लग रही है। और मैं अब इसका ऐसा डो बना रही हूँ कि इसका ना एकदम गीला डो बनाना है ना ही एकदम हार्ड बनाना है। तो इसका अब मैं इसका देखिए हाथ से मल के इसका जो ये डो होगा बहुत ही सॉफ्ट डो होना चाहिए। इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो डो वो काफ़ी मतलब इसको मलना पड़ता है और इस तरह से गोला बनने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी ये पूड़ियाँ का जो डो है मीठी पूड़ी का स्पंजी डो एकदम तैयार हो चुका है। आप जैसा गुलगुले का डो बनाते हैं उस तरह का ये डो होना चाहिए। देखिए एकदम ये अच्छे से, इसको बस ये होता है कि इसको अच्छे से मलना है। और ये डो मेरा तैयार हो चुका है, मैंने इसको 30 मिनट के लिए ढक के रख दिया है तो ताकि ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इधर मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, उसको मैं चकले पर फैला दूंगी। और हाँ देखिए, इसमें मैं पानी से आपको ये इसको कैसे बनाते हैं पूड़ी वो मैं बताऊंगी, मीठी पूड़ी खस्ता स्पंजी। इसको आप हाथों से हाथ में पानी लगा लेंगे, ऑयल नहीं पानी लगाएंगे और इसको चारों तरफ से स्प्रेड करेंगे, जैसे पूड़ियाँ बनती हैं उस तरह स्प्रेड करेंगे। तो शुरुआत में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, जैसे मुझे परेशानी हो रही, मैंने देखा तो था, थोड़ा डर लग रहा है कि पता नहीं सही बनेगा कि नहीं। और ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट बन गया है। हाँ, थोड़ी सी हल्की सी एकदम परफेक्ट अच्छी सी पूरी का शेप नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। और इसको आप डाल के फिर पूरी की तरह आप छान लेंगे। ये बहुत ही स्पंजी सॉफ्ट होती है और इसमें तेल जो है इतना कम लगता है। पहले तो शुरुआत में मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था कि इतना कम तेल लगता है, जब मैंने पूरा बनाया तो मुझे पता चला कि ये सच में ही ये बहुत ही अच्छी और स्पंजी पूरी होती है, इसमें ऑयल बहुत ही कम लगता है। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। और हाँ, ये आप इसको मतलब एक हफ्ते तक ये ख़राब नहीं होती। आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो इस तरह की पूरियाँ आप बना के ले जाएं, बहुत ही अच्छी होती है। देखिए कितनी खुली खुली सॉफ्ट हुई है। और दूसरा भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि इसको किस तरह बनाते हैं। तो दूसरा भी मैंने हाथ में पानी लगा लिया है और इस तरह चारों तरफ से स्प्रेड करके मैं इसकी पूड़ी के शेप में बनाऊंगी। आप जैसे भी चाहें, शुरुआत में एक दो पूड़ी थोड़ी सी ख़राब होगी लेकिन आप डरिएगा मत, और इस तरह हाथों से स्प्रेड करके फैलाइएगा कि एकदम देखिए परफेक्ट पूड़ियाँ बनेगी। तो देखिए दूसरी वाली थोड़ी सी फैलती है, डरने की कोई बात नहीं है। और अब मैं देखिए इसको ऑयल में डाल के, और जैसे आप पूड़ी छानते हैं सेम उस तरह पूड़ी को निकाल लेंगे तो ये काफ़ी पूड़ी सॉफ्ट और खस्ता होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो मैंने बताया कि आप अपने बच्चों को बिस्किट की जगह इस तरह की खस्ता पूड़ियाँ आप दीजिए तो बहुत ही अच्छा होता है, या उनको टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। देख लीजिए कितनी फुली फुली अच्छी पूड़ियाँ ये तैयार हुई हैं, बहुत ही। आप इस तरह की पूड़ियाँ ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको एकदम नए तरीके की मीठी खस्ता पूड़ी कैसी लग रही है। तो इस तरह सारी पूड़ियों को मैं अच्छे से निकाल लूँ। आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम तेल मैंने डाला है और इस तरह मैं
सारी पूरियों को निकाल लूँगी। ये इतनी फुली फुली सॉफ्ट पूरियाँ बनती हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और वो भी बहुत ही कम, मतलब सिर्फ आपको आटा चाहिए और चीनी चाहिए, तो ये बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही जल्दी एकदम नए तरीके की मुंह में घुलने वाली पूड़ी मैंने बनाई है, और आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये इतनी स्पंजी होती है कि एकदम मुंह में घुल जाता है, बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद आएगा। ये देखिए ये कितनी स्पंजी और सॉफ्ट पूड़ी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको एकदम नए तरीके की खस्ता पूड़ी, मीठी पूड़ी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।